हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर आवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा सा वीडियो कुछ टाइम के लिए स्लो स्लो या फिर बहुत कम आया करेगी, जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग अ फर्दर स्टडी। ओके, उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग रहा है, और एक बार वो स्टडी कंप्लीट होते साथ आपके लिए एक बेहतरीन एक तो चैनल ओपन होगा, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस होगी। एज वेल एज बात करें तो आपके लिए यहाँ पर हम ऐसे ऐसे स्टॉक्स दिया करेंगे, ओके, जो पोजिशनल बेसिस पे स्विंग ट्रेड में एज वेल एज इंट्राडे में भी अगर हम बात करें तो आपके बेहतरीन पैसे बनते हुए नजर आए करेंगे। बट उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, शायद 1-2 महीने का टाइम लगे, क्योंकि मैं भी उसमें एकदम रिफाइन होना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि कल टारगेट अचीव होगा तो कल टारगेट अचीव होना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं कि 3 महीने में टारगेट अचीव हो तो अचीव होना चाहिए। देखिए, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मैं आपको बताता रहता हूँ और टारगेट अचीव होते ही होते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर कुछ दिन पहले आपको टीएन पेट्रो बताया था। ओके, टीएन पेट्रो में अगर हम देखें तो अच्छा खासा यहाँ पर से देखिए भागना शुरू हो गया है। ओके, इसके अलावा हमने यहाँ पर आपको बजाज हिंद बताया था। ओके, बजाज हिंदुस्तान में बात करें तो देखिए आज के दिन में अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया है, और ये यहाँ पर खुद खत्म नहीं होने वाला, और भी यहाँ पर तेजी आती हुई दिखाई देगी। ओके, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, जहाँ पर और भी यहाँ पर शेयर भागते हुए नजर आएंगे। तो इसी तरीके से आपको रेणुका बताया था, आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स यहाँ पर बताए गए हैं, और आपको ऐसा नहीं है कि बता के यहाँ पर चुपचाप बैठ गए, आपको बता के यहाँ पर बताया गया है कि प्रॉफिट भी बुकिंग करी है हमने। यहाँ पर अगर देखे तो हमने यहाँ पर ही एग्जिट भी किया था। एग्जिट करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है, शायद यहाँ पर दोबारा एंट्री ले सकते हैं। तो ऐसे ही आपको बताया जाता है, तो हम हमारे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहे, चाहे कम मिले बट आपको वीडियोस मिले। और यहाँ पर आपको बेहतरीन और भी चीजें जानने के लिए थोड़ा सा टाइम का वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम आप हमें देंगे तो और भी बेहतरीन चीजें आपके लिए यहाँ पर लेके आएंगे। बट उसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब नया चैनल बनेगा तब मैं आपको इन्फॉर्म डेफिनेटली कर दूंगा। और हम इस पर्टिकुलर वीडियो में पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड भी बात करेंगे, एज वेल एज मार्केट के व्यू से रिलेटेड बात करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को हिट और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियोज मिलती रहे, और वीडियोज मिलती रहे तो आप सीखते रहे और पैसा कमाते रहे। एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे, कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम बात क्या करने वाले हैं, हम बात करने वाले आज की डेट में कुछ पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, ओके, जिनका नाम हम एक-एक करके हम बात करेंगे। बट यहाँ पर निफ्टी का व्यू ले लेते हैं। निफ्टी की बात करें तो देखिए यहाँ पर बीच-बीच में हर्डल्स दे रखे हैं, एक यहाँ पर ये हर्डल है, ओके, यहाँ पर ये एक बेहतरीन सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ नजर आया है, और यहाँ पर देखिए आज के दिन में एक रेजिस्टेंस को लेके यहाँ पर चीज बनती हुई बंद होती हुई नजर आई है। इसके ऊपर जाता है तो फिर एक रैली होती हुई नजर आएगी, जो यहाँ पर शायद इसे सबसे पहले 17,000 17,500 के आसपास, और उसके बाद धीरे धीरे करके चीजें ऊपर जाती हुई नजर आएगी। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज है, ओके, यहाँ पर फिबो टेक्निक में भी यहाँ पर देखिए बाइंग बताता हुआ नजर आया, बट कोई नहीं, ये सब चीज सिखाऊंगा मैं आपको। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आएगा, ओके, 2022 में इसी तरीके की चीजें नजर आएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्रूड, महंगाई, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट, फेड की मीटिंग, आरबीआई की मीटिंग, पेट्रोल का ऊपर जाना, इन्फ्लेशन, ये सारी सारी चीजें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर दोबारा कोविड का आना, तो ये सब चीज का इफेक्ट पड़ेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहिएगा, ओके। और यहाँ स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन स्टॉक्स नीचे आते जा रहे हैं, उन्हें एक्युमुलेट कर लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो निफ्टी 50 में ये हुई बात। निफ्टी आईटी की अगर हम बात करें, निफ्टी आईटी में एक बेहतरीन गिरावट होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देखिए एक अच्छी खासी गिरावट होती हुई नजर आई, और यहाँ पर एक बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पर लेते हुए, ये नीचे नीचे के टाइम पे यहाँ पर एक बेहतरीन सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके यहाँ पर ये आता हुआ दिखाई दिया है, और यहाँ से ही ये चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दी है, और यहाँ से अब ये जो चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे दी है, यहाँ पर एक बेहतरीन सपोर्ट है, याद रखिएगा। इसके नीचे जाता है तो मार्केट और ज्यादा गिर सकता है, बट यहाँ पर सपोर्ट लेके कल भी सपोर्ट लिया, आज भी सपोर्ट लेके कैंडल बनाई है, जो कि यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो हैमर की तरह का यहाँ पर हैमर बनता हुआ नजर आ रहा है, आप देखिए। और मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि हैमर, अगर ये हैमर नीचे बनता हुआ नजर आता है ना एक गिरावट के बाद, तो याद रखिए चीजें यहाँ पर ऊपर जाती हुई नजर आती है, और अच्छे खासे तरीके से आपको एक रिटर्न मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा, बट इसके लिए बीच बीच में हर्डल्स भी है। सबसे पहले इसे अपना इसी लेवल को निकालना बहुत जरूरी है, 33,300 लगभग 34,000 को यहाँ निकालना जरूरी है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक 35,000 का भी टारगेट आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक अच्छी खासी
जंप होती हुई नजर आ रही है, बट देखते हैं यहाँ पर कंसोलिडेशन होके वो जंप आती है कितने दिन में आती है, क्योंकि एक अच्छी खासी गिरावट मार्केट में यहाँ पर ये 40,000 से 31,000 आ गया है। ओके, एक अच्छी खासी गिरावट आईटी कंपनी में हो गया है, इवन इफ यहाँ पर एक दो कंपनी को नंबर छोड़ के बाकी सभी कंपनी के नंबर अच्छे खासे आ रहे हैं। टाटा एलेक्सी के अच्छा है, कुछ दिन पहले माइंडट्री के भी आए, ओके यहाँ पर एलटीआई के भी अच्छे आए, बस मार्जिन वगैरह पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता हुआ नजर आया है, नथिंग एल्स, बाकी नंबर काफी बेहतरीन है। तो अब यहाँ पर निफ्टी आईटी में एक अच्छी खासी जंप नजर आती है मुझे। इसके अलावा मैंने आपको कुछ कल परसों यहाँ पर परसों आपको दिया था माइंडट्री जब इसके रिजल्ट आए थे, ओके, और रिजल्ट आने के बाद मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से बाइंग होती हुई नजर आएगी, बट यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया क्योंकि पूरा सेक्टर ही गिर रहा था, और जब पूरा सेक्टर गिर रहा था ओके, तो ये एक अलग स्टॉक नहीं है कि ये यहाँ ये भी गिरेगा नहीं, तो यहाँ से ये भी गिरता हुआ नजर आया। बट एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए ये कैंडल ने एक बेहतरीन सपोर्ट जो हमारा यहाँ पर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, यहाँ पर एक सपोर्ट है ओके, और जिस दिन मैंने आपको बताया था उस दिन भागा भी था, याद रखिए 4,080 रुपए तक यहाँ पर इंट्राडे में तो आपने कमाई लिए होंगे ओके, वहां तक भागा भी था, भागने के बाद गिरता हुआ नजर आया, अच्छी खासी गिरावट हुई, उस दिन ये सपोर्ट लिया, आज के दिन भी उसी सपोर्ट से ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, और अगेन यहाँ पर एक हैमर बनता हुआ नजर आ रहा है, और जब ये हैमर बन जाता है ना तो अच्छी खासी रैली होती है, इस चीज को मानिए, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए ये हैमर बना था, एक अच्छी खासी रैली हुई थी ओके, इसी ये इन्वर्टेड हैमर बना था, तो यहाँ पर से फिर ये भागा था ओके, तो नीचे हैमर बनता है तो चीजें भागती हुई नजर आती है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर चीजें दे रखी होगी, ये देखिए ये हैमर बना, यहाँ पर भी एक अच्छी खासी जंप होती हुई नजर आई, तो जब भी इस तरीके का हैमर बनता है तो अच्छी खासी जंप आती है, बिलीव मी। तो इसी स्टॉक की तरफ ध्यान दीजिए, यहाँ से एक बेहतरीन नजर आता है, अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो और भी गिरावट हो सकती है, बट एक बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है यहाँ पर, और इसके बाद ऊपर जाता है तो अच्छी खासी जंप आ सकती है, तो यहाँ पर इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिए। इसके अलावा LTTS, इस पर्टिकुलर स्टॉक की तरफ भी ध्यान दीजिए, LTTS में भी एक यहाँ पर अगर नीचे की बात करूं तो यहाँ पर सपोर्ट नजर आता है 3984 के आसपास, 4180 पे प्राइस चल रहा है, बट जो ये कैंडल बनी है अगर इस कैंडल से ऊपर की तरफ अगर ये जात ओपन होता है तो याद रखिए यहाँ पर ये बाइंग आती हुई नजर आएगी, बट अगर इस कैंडल से नीचे आता है तो शायद ये फिर दोबारा गिरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब भी इस तरीके की कैंडल बनती है तो याद रखिए एक गिरावट होती हुई नजर आती है इस वाले कैंडल में। अब मैं आपको और भी स्टॉक से रिलेटेड बातें रूबरू करा देता हूँ, LTI, LTI को जबरदस्ती गिराया जा रहा है, बेहतरीन रिटर्न है, सब कुछ अच्छे खासे है ओके, और अच्छी बात है ये नीचे आ जाएगा तो और नीचे लेने पे हमें मजा आएगा, बट यहाँ पर सपोर्ट की बात करूं 4953 का एक बेहतरीन सपोर्ट आ रहा है, अगर ये शेयर यहाँ पर आ जाता है तो बाइंग कर लीजिएगा, और हड़बड़ी बिल्कुल ही मत मचाइएगा, अगर यहाँ से कल भागने लग जाता है बिल्कुल मत खरीदिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा, क्योंकि चीजें यहाँ पर या फिर यहाँ पर दोबारा मिलती हुई नजर आएगी, और फिर थोड़ा सा टाइम देंगे 3 महीने का तो यहाँ पर चीजें ऊपर भागती हुई नजर आएगी, तो LTI की तरफ ध्यान दीजिए। इस और अब हम बात करते हैं टाटा एलेक्सी, टाटा एलेक्सी के भी नंबर ओके मैंने यहाँ पर देखे, काफी बेहतरीन यहाँ पर नंबर मुझे नजर आए हैं ओके, यहाँ पर देखिए टाटा एलेक्सी में भी आई थिंक थोड़ी बहुत गिरावट हुई है, कल देखते हैं क्या गिरावट होती है या नहीं होती, और देखिए इन्वर्टेड हैमर मतलब उल्टा हैमर जब यहाँ पर नीचे बन जाता है ना तब भी एक जंप होती हुई नजर आती है, अगर ये यहाँ से ऊपर क्लोज करता है तो याद रखिए ये शेयर दोबारा भागता हुआ नजर आ सकता है, और यहाँ से जहां से ये घूम रहा है ना एक बेहतरीन रेशो ये यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर से चीजें ऊपर जाती हुई नजर आएगी, ये फिबो टेक्निक है, मैं आपको इसे बाद में सिखाऊंगा, तो यहाँ पर चीजें आपको बाद में समझ में आती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं कुछ ये तो मैंने जितनी भी आपको दी है ये पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से दिया है कि आप यहाँ पर बाइंग करते हैं, थोड़ा टाइम आपको वेट करना होगा तो चीजें ऊपर जाती हुई नजर आएगी, बट अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की जो कि यहाँ पर ब्रेकआउट पे खड़े हुए हैं, और जहां पर मैंने आपको पहले भी एंट्री दिलाई है, अच्छे खासे रिजल्ट आपको मिलते हुए नजर आए, तो अच्छे खासे पैसे यहाँ पर बनते हुए नजर स्विंग ट्रेड में भी आए, अब दोबारा यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें हिंदुस्तान शुगर के रिलेटेड बात कर लेते, हिंद शुगर, एक मिनट दीजिएगा मुझे, सॉरी बजाज शुगर, तो देखिए बजाज हिंदुस्तान शुगर ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है, इस लेवल को जो आज का हाई था 1881 इसे यहाँ पर क्रॉस कर देता है ओके, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली होती है नजर आएगी जो यहाँ पर इसे भगा के दिखाएगी। देखिए यहाँ पर हमने BSE पे ओपन किया है ओके, मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पर NSE पे, NSE पे देखिए
एनएससी पे भी ये लास्ट में नीचे आ गया, वरना जो कैंडल बन रही थी ना, काफी बेहतरीन कैंडल बन रही थी। कौन सी? ये कैंडल बनती हुई नजर आ रही थी। जब भी इस तरीके की कैंडल हो ना, बिल्कुल रेक्टेंगल ना ऊपर निकला हो ना नीचे, तो उस केस में क्या होता है, एक अच्छी खासी रैली होती है। और ये ऐसे ही बनती के नजर आई थी, ये नीचे आ गया, कोई इशू नहीं है, बट अच्छे खासा यहाँ पर रैली आ सकती है। आज का जो इसने हाई है ये तोड़ा, तो अच्छी खासी रैली आएगी, जो कि इसे सीधे के सीधे यहाँ पर 1900 रुपये 60 पैसे और इसके बाद यहाँ पर 2400 रुपये तक लेके जा सकती है। मैंने आपको बार बार स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनाई है। इसके अलावा हम बात करेंगे TN पेट्रो, मतलब तमिलनाडु पेट्रो पेट्रो केमिकल्स प्रोडक्ट से रिलेटेड। देखिए ये आपको नीचे के लेवल से ही दिलाया था, पोजिशनल ट्रेडिंग में तो हमें पैसा कमाया कमाया, बट यहाँ से अब दोबारा ये भागता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर आज के दिन में लगभग 7.5-8% की जंप आई है। आज का हाई था 130.80। ओके, अगर ये 130.80 को निकाल देता है, देखो कि इसी सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, इसे निकाल देता है तो एक रैली होगी जो इसे 142 रुपये तक, और 142 को भी निकाल देता है तो यहाँ पर 151 रुपये तक जाता हुआ ये साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक रैली होती हुई नजर आ रही है, एक अच्छे खासे तरीके से ये शेयर भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस शेयर की तरफ आपको क्या करना है, ध्यान देना है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसी का एक पीयर कंपनी मनाली पेट्रोकेमिकल्स, इस शेयर की तरफ भी ध्यान दीजिए। ये शेयर मैंने आपको बहुत टाइम पहले दिलाया था, ओके, उसके बाद यहाँ पर गिरावट भी हुई और फिर उसके बाद यहाँ पर भागता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो आज के डेट में 8.45% की यहाँ पर जंप होती ही नजर आई है। और ये शेयर यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर देखिए ये पर्टिकुलर लेवल से यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, और कल के डेट में भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये शेयर बहुत तेज भागता हुआ नजर आएगा। तो 8.45% की यहाँ पर तेजी हुई है, और 145.75 को अगर ये क्रॉस करता है, जो कि इसका आज का हाई है, ये क्रॉस करता है तो यहाँ पर बाइंग बनेगी, ओके, और बाइंग बनने के बाद ये शेयर अच्छा खासा भागता हुआ नजर आएगा, तो कल इसकी तरफ भी ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा बट यहाँ पर कॉशियस रहना है, क्योंकि काफी बार यहाँ पर फंसा के बड़े बड़े लोग चले भी जाते हैं, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं वो मैंने हमेशा आपको बताया, अगेन इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। देखिए चेन्नई पेट्रो, यहाँ पर भी अच्छी अच्छी खासी जंप होती है नजर आ रही है, अच्छा खासा ये शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है, ऊपर भागा फिर नीचे आया फिर ऊपर भागता हुआ नजर आया, हाय 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 लो बनाता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर देखिए ये शेयर अब टॉप पर बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल फंसा सकते हैं फंसाने वाले लोग, और जब भागने की बात होगी तो ये शेयर भागता हुआ नजर आएगा। 236 रुपये को क्रॉस करता है, ओके, तो यहाँ पर अच्छी खासी रैली होती हुई नजर आ सकती है, और अच्छे खासे वॉल्यूम है, लगभग 1.70 करोड़ के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते हुए नजर आए, तो यहाँ पर इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिए। अगर लेवल को क्रॉस करता है तो अच्छा खासा भागता हुआ नजर आएगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो 198 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, या फिर स्टॉप लॉस को और थोड़ा जब ये चीजें भागने लग जाए तो आप स्टॉप लॉस को यहाँ पर लेके आ सकते हैं 234 रुपए के आसपास, और 236 रुपए के आसपास यहाँ पर स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर सकते हैं इस तरीके से। अब बात करते हैं एक और स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम है लॉरस लैब। लॉरस लैब की अगर हम बात करें, लॉरस लैब भी इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, बट यहाँ पर थोड़ा ये जो इसका हाई है 625 रुपये 626 रुपये 30 पैसे, इसे अगर यहाँ पर क्रॉस करता है, ओके, इस लेवल को अगर क्रॉस करता है तो एक रैली होती हुई नजर आएगी जो इसे 665 रुपये, और फिर उसके बाद शायद 772 रुपये तक भी यहाँ पर लेके जा सकती है। तो इस शेयर की तरफ भी आपको क्या करना है, यहाँ पर देना है ध्यान। इसके अलावा एस्ट्रल लिमिटेड की तरफ भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट होता हुआ आज की डेट में नजर आया, बट चीजें नीचे आती हुई दिखाई दी। अगर ये आज का हाई जो था 2185 को यहाँ पर निकालता है तो ये शेयर, और इस लेवल को निकालता है मोस्टली ये 2221 को निकाल देता है ना, तो एक रैली होती हुई नजर आएगी जो इसे शायद 2425 रुपये तक लेके जा सकती है। तो यहाँ पर इस एस्ट्रल की तरफ भी ध्यान दीजिए। इसके अलावा आपको ध्यान देना है रिलायंस पे। रिलायंस देखिए काफी टाइम बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करके ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और ब्रेकआउट देखिए बिल्कुल सपोर्ट की लाइन को यहाँ पर रेजिस्टेंस की लाइन को टच करके नीचे आया है। तो यहाँ पर इसी को यहाँ पर जो 2734 का लेवल है, 2734 को यहाँ पर क्रॉस करता है तो याद रखिए एक रैली होती हुई नजर आएगी जो यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई बनाती हुई नजर आएगी, 52 वीक हाई बनाती हुई नजर आएगी, और अच्छा गजा 50 और जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट या फिर कह सकते हैं वो टाइम के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, और जब ये ब्रेकआउट होगा तो अच्छा पैसा आपका बनता हुआ नजर आएगा। तो इस शेयर की तरफ भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आपको ध्यान देना है, और यहाँ पर आप ध्यान देंगे पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से भी, एज वेल एज रिलायंस में या फिर जो आपको ब्रेकआउट स्टॉक बताया है उनमें ध्यान देंगे, अच्छा खासा पैसा बनेगा। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है और जितना हो सके सीखने की कोशिश करना है। इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।